Hey guys, welcome to our my new vlog. So I hope आप सब लोग ठीक होंगे. इसी के साथ मैं एक और vlog लेके आप लोगों के लिए मनाली trip का आ गई हूँ. तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिडम्बर temple वगैरह और local sites वगैरह घूमने के लिए. उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं. अभी मैं हो चुकी हूँ ready और अभी शायद से गौरव लोग पता नहीं रेडी हुए नहीं हुए, उन्हें जाके देखते हैं. मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं. मैं आ चुकी हूँ रूम से बाहर और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक और जहाँ जहाँ जाएंगे वो आप सब शेयर करूंगी बिल्कुल. और ब्लॉग में बने रहे. तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक. अभी गिर अभी मैं ही गिरता और कुछ नहीं फाइनल लुक के चक्कर में. अभी एक बड़ी ट्रेजेडी रहती बनना. तो आ जाओ, मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ. रेडी या नहीं हो रहे लोग का मुझे मुश्किल लग रहा है कि रेडी होंगे नहीं होंगे. यहाँ पे क्या सोई तो नहीं रह गए हो? हाँ, रेस्ट नहीं किया. और हमारा 12:30 का था, अभी एक बज चुका है. चलो पकड़ो 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 पकड़ो. यहाँ पे का व्यू गर्ल लोग के रूम से ऐसा दिखता है. मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ. अखंड में बादलों के उड़ के उड़ने वादे. हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हिडम्बर टेम्पल और हमें यहाँ पे रास्ते में दिखे हैं बहुत सारे रोजेस जो कि हैं इतने बड़े और अच्छे अच्छे से. ये गाइस बहुत सुंदर है. तभी हम लोग जा रहे हैं हिडम्बर टेम्पल. ये रहे मेरे हस्बैंड और गौरव और पूजा. तो अभी हम लोग सीधे जाके आप लोग को दिखाते हैं हिडम्बर टेम्पल. यहाँ देखिए बर्फ की चादर लगी हुई है, देख सकते हैं आप. कल हम भी जाएंगे यहाँ पे, वो दिखाएंगे आपको. अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़. गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हिडम्बर टेम्पल. ये रहा हिडम्बर टेम्पल का मंदिर. ये क्या है? गुलाब जामुन. अच्छा, गुलाब जामुन छोटे छोटे से. ये छोटे छोटे से गुलाब जामुन. ये रहा हिडम्बर टेम्पल. और यहाँ पे कुछ ये क्या आंटी, ये क्या है? अच्छा लग रहा है. नहीं नहीं आंटी, कितना अच्छा लग रहा है. ये देखो रैबिट, देखो फोटो खींचा बेटे, फोटो कितना अच्छा लग रहा है. नहीं 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 नहीं, डर लगती है. ये रहा मंदिर, यहाँ सुंदर सुंदर देखने के. यहाँ पे चेरी भी है, ये प्योर है ना चेरी. यहाँ पे ऐसे ड्रेसेस के साथ भी आप लोग फोटो खींचा सकते हो. बहुत सुंदर सुंदर है, काफी ज्यादा सुंदर है. ये रहा हिडम्बर टेम्पल. जोरे बिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी. अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और अभी हमने ली है यहाँ पर से चेरी. टेस्टी हो रही है, यम्मी यम्मी सी हो रखी है. हम लोग आए थे हिडम्बर टेम्पल तो वहीं पर से क्या था, वन विहार. नहीं आए हैं अभी हम, वन विहार पे भी आए हुए हैं हम लोग. और यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं लंच. ये आ गया हमारे स्ट्रॉबेरी शेक्स. ये देखो शिवम लेके आ रहे हैं और हम यहाँ पे खा रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी शेक. हम लोग जाएंगे शायद से ओल्ड मनाली तो फिर वहाँ का व्यू दिखाएंगे. तो गाइस मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ तो देखना आप. ना ना वो है हमारी भाभी, हमारी ये पहनेंगी और इनके पार्टनर ये हैं, वो भी खुद ब्लॉगर है, वो भी खुद वीडियो बना रहे हैं. कैसा लग रहा है आपको? कैसे गर्म गर्म तो लोग फील कर रहे होंगे. बहुत ठंड इसके पहन के चले जाएंगे. बड़ा अच्छा रहा, बड़ा गर्म हो रहे हैं साले. ये इसको पट्टू बोलते हैं बेटा. अच्छा पट्टू. हां पट्टू है. क्या कहते हैं इसको? पट्टू. हम लोग आ चुके हैं वन विहार से भी और अब हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ को. और अभी हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं वो ड्रेस पहन के भी और कुछ रील्स भी बना रखी है जो कि आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो शुभमानी ब्लॉग्स पे. इंस्टा पे आईडी भी इसी नाम से है, शुभमानी ब्लॉग्स के नाम से. अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ को, ओल्ड मनाली की तरफ को.
और ये देखो इनका तो रोमांस, इनका तो रोमांस खत्म नहीं होता है। वाली बात नहीं बताइए अभी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो फोटो वगैरह खिंचाते हो और फोटोग्राफर आपसे कहता है मैं आपकी फोटो खींच दूंगा, खिंचवा जरूर लेना, बट उससे सिर्फ पाँच ही पोज खिंचवाना। अगर आपको खिंचवाने होंगे सिर्फ पाँच छः फोटो लेनी होगी तो 40-50 खींच देगा, बाद में आप सेलेक्ट करोगे तो उस पर नोटिंग ही करेगा कि डिलीट नहीं करना, मैं नहीं करा, डिलीट लेनी है लो, नहीं लेने मत लो। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूरी में आप लोग को ना वो चीज़ करनी ही पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि फिर आपके पास दूसरी फोटोज होती नहीं है, वो DSLR से देता है तो वो चिड़िया तो चला जाता है, फिर आपके यहाँ मजबूरी में लेनी पड़ती है। तो यह कि ज़्यादा प्रेफर ही करना है कि आपके पास अगर आईफोन है तो अपने आईफोन से ही फोटो खींचना, आईफोन या नॉर्मल कैमरा कुछ भी है, अच्छी फोटो उससे खींचना। आप अपने से हो सके तो वहाँ पे जो आंटी लोग होते हैं उनसे या फोटो खिंचवा लो, कैमरे वाला मत लो, बिल्कुल मत लेना। कुछ कैमरे वाले अच्छे होते हैं, कुछ कैमरे वाले बहुत बेकार होते हैं। उसने हमारी 10 फोटो में से भी कम नहीं करनी थी फोटोज, तो हमें बहुत गलत लगा ये चीज। और यहाँ पे अब हम खाएंगे भट्टा, व्यू कितना प्यारा है, आधा आधा खाएंगे, आधा खाएंगे यार, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम जा भी रहे ना इधर को, लूट दुनिया सब कैसा रहा करो, जिस लाग ग्रेट बोनस लाग तो बिल्कुल ही सच में मम्मी भूनती को ये अब हम यहाँ पे खाएंगे भुट्टा, इसका टेस्ट खा के बताते कैसा है, तुम टेस्ट करो भुट्टा लवर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं ओल्ड मनाली, वहाँ का दिखाते हैं आपको कैसा है वहाँ पे सब कुछ। अभी हम लोग यहाँ से मनाली को जा रहे थे, ओल्ड मनाली को, तो यहाँ पे बहुत एक अच्छी सी नदी पड़ी है जो कि यहाँ पर का व्यू कुछ ऐसा है। हाँ ठंडा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, नदी की उससे भी ज़्यादा है ना। अभी हम लोग आए हैं ओल्ड मनाली और ये नदी है मनांसू रिवर है ये। यहाँ पे जंपिंग वाला भी होता है, जैसे हमारे सात साल में होता है ना वैसे जंपिंग वाला, जंपिंग क्या हुआ है यार, ये जिपलाइन। तो यह है ओल्ड मनाली की मार्केट, यहाँ पर से स्टार्ट हो गई नीचे से और यहाँ से सीधे ऊपर को जाते 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 आगे तक है पूरी, तो यहीं हमें घूमते हैं, घूमना है अभी। और इसके बाद हम रात को न्यू मनाली की मार्केट मॉल रोड पर घूमेंगे। अभी हमारे लोग गए हैं इस शॉप के अंदर कुछ बैग्स वगैरह देखने के लिए, देखते हैं क्या पसंद आता है, क्या लेके आता है बाहर। पूरे ओल्ड मनाली में घूमने के बाद भी कुछ सामान नहीं मिला, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर सामान है। तो अभी फ़िलहाल मेरे कल के लिए एक मफलर पूछ लिया, अगर इसका रेट भी ज़्यादा हुआ था वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता है कि हमारे इसके रेट्स क्या होता है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही रेट ये लोग हमें चार्ज कर रहे हैं, बट देखते हैं अभी वो गई है पता करके आएगी क्या रेट हो रहा है। यहाँ की लोकल डिश शिड्डू है, और जो कि कैसा दिखता है कुछ इस तरीके का दिखता है। आंटी इसमें किस चीज़ की फीलिंग होती है, किससे बाहर वाला आटा है और अंदर वाला अखरोट का पेस्ट। अच्छा, अखरोट में प्याज वगैरह, प्याज टमाटर हरा धनिया गाजर सब ग्राइंड करके डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ की लोकल डिश शिड्डू को ट्राई करते हैं, शिड्डू को ट्राई करते हैं हम। मैं खड़े होकर खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, तुम बैठ जाओ मैं खड़े होकर खा लूँगी। तो अभी हमारा शिड्डू इसको हम ट्राई करते हैं, आटे का है ये। ये देखो कैसे मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए, ठंडा हो जाए। आए हुए हैं मॉल रोड, ये न्यू मनाली मॉल रोड, अब देखते हैं इस वाली मार्केट में क्या क्या मिलता है, क्या क्या है क्या नहीं है, कुछ जाके चेक करते हैं पूजा और मैं। तो गाइस हम लोग आ गए थे न्यू मनाली मॉल रोड घूम के, तो उसके बाद हम लोगों ने चेंज वेंज कर लिया, तो अभी हम लोगों ने डिनर ऑर्डर कर रखा है, उसके बाद डिनर आएगा हम लोग डिनर करेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए वह ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई थी इसलिए भी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम भीग भीग के घर वापस आए रूम पे, फिर हम लोगों ने चेंज वेंज किया, उसके बाद मैंने बोला कि ब्लॉग एंड कर लेते हैं, कल हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। बेसिकली हमें अभी पता नहीं है कि हम कौन सी जगह वाले, क्योंकि अगर मौसम ख़राब रहा तो हम मणिकरण या कुल्लू वगैरह जाएंगे, बट अगर मौसम सही रहा तो हम फिर रोहतांग या फिर ग्रम्फू साइड को जाएंगे जहाँ बर्फ़ है, तो कोई डिसाइड नहीं है, वो कल ही पता चलेगा जो भी हम कहाँ जाने वाले हैं वो सुबह पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।